शहर के एसडी कॉलेज में गुरुवार को कॉलेज छात्र संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य ने कॉलेज लिपिक नवनीत नागौरा के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रकरण को लेकर शुक्रवार को कॉलेज कार्मिकों ने घटना पर आक्रोश प्रकट करते हुए विरोध स्वरूप पेन डाउन हड़ताल पर उतर गए। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य श्रीमती बिंदु तिवारी ने कार्मिकों से बातचीत कर छात्र संघ पदाधिकारियों को मौके पर बुलाया तथा दोनों पक्षों के बीच वार्ता करवाई। इस दौरान सिटी थाना पुलिस के एएसआई ओम प्रकाश तथा हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह भी कॉलेज पहुंचे। वार्ता के दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने प्रकरण पर खेद जताते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने का लिखित में आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर कार्मिकों ने पैन डाउन हड़ताल खत्म कर अपने काम पर लौटे। एसडी कॉलेज प्राचार्य व डॉक्टर बिंदु तिवारी ने बताया कि गुरुवार शाम को छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी तथा अन्य कॉलेज ऑफिस पहुंचे, जहां पर मंत्रालय कर्मचारी नवनीत नागौरा काम कर रहे थे। इस दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों ने नागौरा से पूर्व की कुछ अंक तालिकाएं मांगी, जिस पर नागौरा ने उन्हें कहा कि अभी वे परीक्षा आवेदन संबंधित काम कर रहे हैं और आप सभी विंडो पर आ जाए, अंक तालिकाएं मिल जाएगी। इस बात से नाराज होकर छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, महेश सोलंकी तथा दुष्यंत सिंह रावत सहित अन्य ने नागौरा के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि मामले की जानकारी पर आज छात्र संघ पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिस पर सभी लोग यहां पर पहुंचे तथा अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसके लिए खेद प्रकट किया है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए आश्वासित किया है, जिसके बाद कर्मचारी पुनः अपने काम पर लौट गए हैं। वार्ता के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। इस संबंध में पीड़ित लिपिक नवनीत नागौरा ने बताया कि कॉलेज में बाहरी छात्रों का आना जाना बना हुआ है, जो कि बिना किसी काम के ही कर्मचारी से विवाद करते रहते हैं। गुरुवार को भी कुछ लोग छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ यहां पहुंचे, अंक तालिकाएं देने की बात कही। इस दौरान उन्हें केवल सिस्टम से विंडो पर आने की बात कही थी, लेकिन वे भड़क गए और हाथापाई पर उतर आए। नागौरा ने बताया कि महाविद्यालय में यह ढर्रा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वे इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। 5 तारीख को छात्र संघ कॉलेज सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी और बाबुओं के बीच में किसी कार्य को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में आज महाविद्यालय प्रशासन में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा कार्मिक के बीच में हुए विवाद और दुर्व्यवहार की निंदा की गई और भविष्य में दोनों ही पक्षों को तालमेल और आपसी सामंजस्य बैठाकर महाविद्यालय में होने वाले कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए आश्वस्त किया गया और छात्र संघ पदाधिकारियों से भी को भी समझाया गया कि महाविद्यालय के गुरुजन और स्टाफ मेंबर से अच्छा तालमेल रखें और उनके किसी भी कार्य में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होए, ऐसा आश्वासन महाविद्यालय प्रशासन को दिया गया। मार्कशीट लेने के उद्देश्य से कुछ छात्र आए थे और वो ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जो हमारे मंत्रालयिक कर्मचारी है वो परीक्षा फॉर्म का भी कार्य चल रहा है, तो वो परीक्षा फॉर्म भी ले रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम दे देंगे, आप विंडो पे जाइए। उन्होंने बहुत पोलाइटली इस बात को कहा, पर जो छात्र आए थे उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मार्कशीटों को उलट पुलट करने की कोशिश की। इस कारण से दोनों में थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। अब दोनों में समझाइश का कार्य चल रहा है और जल्दी ही दोनों में समझौता हो जाए। विरोध में सुबह सुबह कर्मचारियों ने कार्य करने से मना किया, किंतु बाद में उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये महाविद्यालय में रोज का घटनाक्रम हो गया है कि बाहरी लड़के आते हैं, कर्मचारियों से जो है मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और सिर्फ छोटी छोटी सी बातों के लिए कि हमें मार्कशीट दे दो, बच्चों की मार्कशीट ले जाते हैं एक साथ में 10-10, 20-20, 50-50 तक मार्कशीट जो है वो लड़के लेके जाते हैं और हम दे भी देते हैं कि अभी क्यों क्योंकि हमारी ये प्रथा पहले से चली आ रही है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि ये कार्यालय में आते हैं, कार्यालय में हमारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार और कल ऐसा हुआ कि कल तो इन्होंने मारपीट भी की और खिड़कियां तोड़ दी यहाँ पे, तो इस तरह की घटनाएं डेली हो रही है। मारपीट आपके साथ की? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ में मारपीट हुई थी। किस कारण सर, क्या कल क्या बात हुई थी? कल बात ये हुई थी कि कार्यालय में हम लोग काम कर रहे थे ऑफिस में, तो मेरे पास अकेडमी का चार्ज है। अब पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी कि ये जो लड़के जो हैं ये ऑफिस में से फाइलें और मार्कशीटें उठा के ले गए,
बिना किसी को बताए हुए। तो मैं नहीं चाहता है कि मेरे चार्ज में कुछ इस तरीके का काम हो, तो मैंने लोगों का कहा आप लोग जो गेट के बाहर खड़े हो जाइए और जो मार्कशीट और जो भी आप लोगों को चाहिए हम लोग यहाँ से बाहर से दे देंगे आप लोगों को, मगर वो लोग गेट से बाहर निकलने की जगह मेरे साथ में मारपीट करने लग गए, कुर्सी उठा के मारने लग गए। कौन कौन व्यक्ति थे सर? इसमें एक दुष्यंत रावत नाम से एक लड़का है वो था, वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, और एक गजेंद्र रावत नाम से एक लड़का जो कि कॉलेज का अध्यक्ष है, कॉलेज का उपाध्यक्ष था, और भी काफी सारे लड़के थे।